वेलकम। एक मिनट मिनट साहब, हाजिर साहब बात करना चाह रहे। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपका वीडियो मैंने देखा था। हाँ, आप अभी है कहाँ पे? मैं तो शारजा में हूँ सर। शारजा में है तो अभी कहाँ पे है आप? शारजा में अपने घर पे है या आपको एम्बेसी में है? नहीं, एम्बेसी में थी मैं 3-4 दिन। हाँ? मैं कोई बंगाली, मैं 3-4 दिन एम्बेसी में थी जी, जो वीडियो, हाँ वीडियो बनाने के पहले की बात। ओके। और अभी मैं, हाँ मैं बंगाली फैमिली है उनके पास हूँ मैं, वो लोगों ने मेरे को जैसा सहारा दिए लेडीज है बोल के। हाँ। तो हाँ मेरे को रखे, मेरे हस्बैंड को मैं बहुत फोन की, दूसरे लोगों ने भी किए, लेकिन वो फोन भी नहीं उठाया ना किसी का, मैसेज का कोई जवाब दिया सर। और दूसरी एक बार मैं दिसंबर से घर से भागी हूँ, कहाँ पे, जहाँ बाप के पास मैं काम करती थी। अच्छा मुझे ये बताइए, तो आपको वापस आना है, इंडिया वापस आना है? मैं इंडिया वापस आऊंगी सर, लेकिन बात कैसी है, मेरे जो बच्चे हैं दो, तो उनकी जिम्मेदारी अभी फिर वक्त मेरे पे, मेरी सेकंड मैरिज है सर। और जितना पैसा मैं कमा के दी हूँ 2015 से, वो सब उसके अकाउंट में, उसके भतीजे के अकाउंट में। मैं ठीक है ना? नहीं ठीक है, आप मुझसे मतलब उम्मीद क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए हमने आपके लिए? उम्मीद आपसे ये कर, उम्मीद सर मैं ये कर रही हूँ आपसे कि उसको बोलिए कि यहाँ 2 लाख रुपया भर, मेरे पे जो अरबाब ने केस करा, घर से भागी हूँ चोरी का, वो तू केस नहीं कर दे, 2 लाख रुपए दे के, और जो मेरी मेहनत के पैसों में से, और बाकी के जो अमाउंट बचती है वो मेरे बच्चे तक, क्योंकि वो पढ़ाई छोड़ के बैठे हुए साथ। और मैं जब खुला मांगती हूँ उससे जुल्मों की वजह से, तो मेरे को 10 लाख की मांग किया था उसने कि तू 10 लाख दे दे, मैं तेरे को खुला देता। हाँ। और आज मैं दरो दर भटक रही हूँ सर उसके बदौलत, हमेशा कहीं भी बेच देता मेरे को सर। एक नंबर का छूटा आदमी है सर, और उसकी फैमिली भी मेरे को फोन करती बोलते पैसे भेजो, कुछ भी करो पैसे भेजो। अब तक दूर सर मैं मेरे बच्चों का हक अदा नहीं कर सकी, एक अच्छी माँ नहीं बन सकी सर मैं उसकी वजह से। आज मैं जो दरो दर फिर जो कोई भी मेरे को सहारा देते तो उसको कुछ नहीं मिलता, तो लोगों के इल्जाम लगाता। आज आदमी यहाँ पे रह के कुछ नहीं कर सकता, एक औरत हिम्मत से मैं हूँ, यही उम्मीद से कि अल्लाह मेरे को कोई जॉब मिलेगा तो मैं करूँगी और मेरे बच्चों को दूंगी। आज वो हक भी छीन लिया सर उसने, आज मेरे पैसों से न गाड़ियाँ खरीदता, हर चीज खरीदता, और झूठ बोलता, रोता तो इतना सर हुआ कि लोगों ने उसके आंसुओं पे जाना, उसकी वाइफ को कैंसर हुआ था, पूरा इलाज मेरे पैसों से किया। नहीं ठीक है, समझ लीजिएगा, अगर वो नहीं कर रहे हैं ये सब चीजें तो क्या करना क्या है मुझे ये बताइएगा कि आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। सर देखिए, पैसों के बिना तो केस मेरा हल नहीं होगा। इमिग्रेशन में पासपोर्ट अटके हुआ है 3,000 दिरहम इंडिया से, 60,000। मैं अरबी की रिकॉर्डिंग दी थी उनके फेरो खान साहब के, और जो वीजा है उसकी वीजा के साथ 7,000 दिरहम, ऐसा टोटल 2 लाख रुपए हो गए सर। तो वो सुनने में आया कि वो 1 लाख का बंदोबस्त किया बोल के, तो बाकी के और करके यहाँ भेज, तो मैं यहाँ काम कर रही हूँ, केस नहीं हुआ तो मेरे बच्चों के लिए मैं कुछ कर सकती सर। मेरा इंसाफ दिलाइए सर, मेरे को उसके छुट्टी कौड़ी नहीं होना, और मेरी ना कोई ख्वाहिश थी कि मैं उसको बदनाम करूं, और यानी कि जो मैं सच्ची की लड़ाई लड़ रही हूँ सर, आप सबको मेरा साथ देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं इंशाल्लाह जो भी होता है मैं करवाने लगा तो इंशाल्लाह। आज का टाइम दिया था सर उन्होंने, क्योंकि यहाँ पुलिस वाले ना घर से बाहर अगर निकले तो अरेस्ट कर लेते सर। ठीक है, मैं करवाने लगा, मैं बात करता हूँ, मैं बात करके करवाने लगा हूँ इंशाल्लाह। बोलिए सर उसको कि आज या कल घर दे बोल के, क्योंकि मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती, मेरे को 1 साल की सजा है सर की। ठीक ठीक ठीक, दादी की जेल में। ठीक ठीक, मैं करवाता हूँ इंशाल्लाह। उम्मीद है बस आपसे सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।